सर 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 कुछ ऑर्डर? हाँ हाँ कर रहा हूँ ऑर्डर। सर तो बताइए ना मैं क्या लेके आऊँ। वर्षा तुम बताओ ना। मैं कैसे बताऊँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो मंगा लो। तुम तो एक ही हो यार, दूसरा कहाँ से आएगा। तुम भी ना। वाह सर क्या लाइन बोली है, मैं लिख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, आप लाइन मत लिखो, ऑर्डर लिखो। हाँ हाँ बताइए जी। मैम जी सर, मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। क्यों, कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? बुरा नहीं हुआ बुद्धू, अच्छा हुआ है, बल्कि बहुत बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मुझे तुम मिल गए। फिर तो मेरे साथ तुमसे भी ज्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि मुझे तुम मिल गए। I love you. I love you too. सर आप दोनों स्टैचू स्टैचू खेल रहे हो क्या, हर दो मिनट में पुतले बन जाते हो। भैया आप ऑर्डर लेकर आओ ना। सर मैडम ने जो भी ऑर्डर दिया वो अभी अवेलेबल ही नहीं है। वर्षा हम कहीं और चले? हाँ चलो। प्यार में पागल होना तो सुना था पर ये दोनों तो पुतले हो जाते हैं। खैर हमें क्या, हमें तो जाके बर्तन धोने हैं। चलो भैया जी। रुस्तम कूटी मैं चलाऊं? हाँ आ जाओ, वैसे चला लोगी ना? हाँ हाँ। मसरूफ है दिल कितना, मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। लागी तुझसे अब न छूटे राबता ये बस न टूटे। अब मैं जाऊं? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। 15 मिनट से तुम यही बोल रहे हो। तो ठीक है फिर चाओ। तुम्हारी स्टोरी देखी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा तो रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या करूं, तुम्हारी इतनी अच्छी ड्रेस देखने के बाद जो मेरे फेस पे रिएक्शन था वो फोन के किसी भी इमोजी में नहीं था। अच्छा ऐसा क्या रिएक्शन था तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? फोन को किस किया? सीरियसली क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रुस्तम? सॉरी मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कैसे अच्छा लगेगा जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे होते हुए किसी और चीज को किस करे? सॉरी यार मैं आके से एक मिनट, क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। बोलो ना। कहा ना कुछ भी नहीं। मैंने सुन लिया है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। मुझे पता है तुमने क्या कहा है। हाँ तो फिर आज के बाद ना कभी ऐसी गलती मत करना। अच्छा तो सुधार दो ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो फोन के इमोजी में नहीं है। पागल। तेरे बिन सानू सोने आ, कोई हो
नहीं लपना जो देवे रूह नू सुकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं लपना। भाई चल मोमोस खाने चलते हैं। भाई बस एक मिनट। अबे यार तू क्या यार फोन में लगा रहता है। अबे भाई तू आईपीएल तो देखता ही है, उसमें तू अपने ओपिनियन देके अच्छे प्राइजेस जीत सकता है lotus365.in पे। अच्छा हाँ यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे हु विल विन मैच हु विल विन टॉस जैसे 15+ क्वेश्चंस होंगे जिसमें तू अपने ओपिनियन देके बहुत अच्छे प्राइजेस जीत सकता है। सही है यार। हाँ तो जा lotus365 पे रजिस्टर कर, तुझे मिलेगा 365 का बोनस। और तो और यहाँ तुझे मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट। और यहाँ तुझे मिलते हैं 10 million से ज़्यादा यूजर्स। अच्छा हाँ। और यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस है जहाँ पे तू अपने ओपिनियन देके बहुत अच्छे प्राइजेस जीत सकता है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल और नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ब्रांड एम्बेसडर है। तो देर मत कर, जाके रजिस्टर कर www.lotus365.in पे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अभी करता हूँ भाई। आ जाके कर। और हाँ चलो मोमोज खाने। हाँ चलते हैं। कहते हैं ना शुरू शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद चीज़ें चेंज होने लगती है। जो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस दिखती थी वो इम्पोर्टेंस दिखना कम हो जाती है। जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो न टूटा कभी वो दिल ही क्या। हेलो, कहाँ हो तुम? आपके दिल में बेबी। बकवास मत करो रुस्तम, तुम्हें पता था ना आज क्या करना था तुम्हें? क्या करना था? मैं अपने घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, मैं बस 2 मिनट में निकल गया, 2 मिनट में। कितना झूठ बोलोगे रुस्तम, तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम अभी बिस्तर में ही हो। अरे नहीं मैं रेडी हूँ, बस आ गया आ गया, बस 2 मिनट रुको तुम। अरे तुम 2 मिनट रुक जाती, मैं आई तो रहा था। हाँ 15 मिनट से तुम मेरे घर के पीछे वाली गली में तो थे। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते 2 मोहल्ले दूर आ गई। अच्छा सॉरी ना। गुस्सा हो? बात गुस्से की नहीं है रुस्तम, इतना लेट ही जाना होता तो मैं ऑटो से चली जाती। तुम्हें स्पेशली बोला था कि मुझे जल्दी जाना है। सॉरी ना। क्या सॉरी रुस्तम, सॉरी के अलावा कुछ आता है तुम्हें? पहले कितने एफर्ट्स दिखाते थे, मेरे आने से पहले स्कूटी लेके खड़े रहते थे और अब। अच्छा सुनो ना, तुम्हें लेट नहीं हो रहा, इस बारे में बाद में लड़ लेंगे, मुझे भी लेट हो रहा है। बाय, टेक केयर। ऐसा कब तक चलेगा रुस्तम? कैसा? ये सब जो हम दोनों कर रहे हैं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ पर तुम दूर भागते हो। तुम उससे प्यार करते हो पर अब जताते नहीं हो। मैं पहले जितना प्यार करता था अब भी उतना प्यार करता हूँ। रुस्तम ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों में टाइम के साथ साथ दूरियाँ बढ़ रही है। पागल हो गई हो क्या? 2 दिन तुमसे नहीं मिला दूरी का नाम दे देती हो। अगर 2 घंटे की जगह 1 घंटे बात करूंगा तो दूरी का नाम दे दोगी? यार हम अपनी लाइफ में बस बिजी हो गए हैं और कुछ नहीं। तो फिर इसे ठीक कैसे करेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, एक दूसरे को तो टाइम ही नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं और तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रहें और कैसे एक दूसरे को समझें, बस।
भाई दो कोल्ड कॉफी लगा दियो। हाँ उठा ले। अरे यार क्या उठा लूं, परेशान हो गया हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा सब यही बोलते हैं, मन में तो तेरे लड्डू अभी भी फूट रहे वर्षा के लिए। घंटा लड्डू, रुक यार मैं इससे बात ही करके आता हूँ। हेलो, कहाँ हो? यही दोस्त के साथ बैठा हुआ था। ओ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा और बताओ। क्या? अरे कुछ भी। अच्छा तुम ये बताओ कि कल रात को तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कुछ काम कर रहा था मैं। स्नैप देखी थी मैंने मोहित की, तुम बार में बैठे थे अपने दोस्तों के साथ। इसलिए तो कॉल नहीं कर पाया, दोस्त के साथ था मैं। रुस्तम। मुझे मिलना है। ठीक है देखते हैं। देखते हैं मतलब? मुझे नहीं पता, मुझे मिलना है, मुझसे मिलो। वर्षा अभी मैं काम में बिजी रहता हूँ, थोड़ा समझो। पहले भी बिजी रहते थे ना, फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते थे। पहले इतना काम नहीं होता था। माना कि पहले इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं मिलते, ना ही बात करते हो। क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए? अच्छा ठीक है मिल लेंगे, बाद में बात करता हूँ, मोहित को कुछ काम है। बाय, लव यू। अरे हो गई बात, आ गई वापस लाइन पे? नहीं यार क्या लाइन पे, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मतलब? मेरा ज्यादा मन नहीं करता यार उससे बात करने का। मन भर गया क्या तेरा उससे? नहीं यार ऐसा नहीं है, वर्षा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अब टाइम अलग हो गया यार, मेरे गोल्स अलग है। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ और उसे समझाता हूँ, वो समझती नहीं है। तो छोड़ दे उसे। पागल हो गया क्या? छोड़ दे, इतना इजी नहीं होता है। और वर्षा को समझनी चाहिए यार मेरी सिचुएशन। कभी कभी मुझे लगता है वो मेरे पे हुकुम चला रही है, फिर कभी कभी लगता है वो उसका प्यार है। तो भाई तू चाहता क्या है? ना ही तू उससे बात करना चाहता है, ना ही तू उससे मिलना चाहता है, और ना ही तू उससे ब्रेकअप करना चाहता है। तो चाहता क्या है? भाई मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। भाई तो फिर तू उससे बात कर, उसको समझा, अपनी सिचुएशन बता, और तू भी उसे समझ, और उसको बोल कि वो भी तुझे समझे। नहीं तो तुम दोनों ऐसे ही पिसते रहोगे और उसका असर तेरे काम पे होगा। आज मिल गया तुम्हें टाइम? वर्षा प्लीज। क्या प्लीज? रुस्तम तुम्हारा हर झूठ मेरे सामने आ रहा है, तुम रहते कहीं और हो, बताते कुछ और हो, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। वर्षा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हमें एक दूसरे को ना थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। What? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, तो क्या पता जो हमारा प्यार खो गया है वो वापस आ जाए। अब तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है रुस्तम। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना रुस्तम, कहीं थोड़े दिन के ब्रेक के चक्कर में ना हमारा सच में ब्रेकअप ना हो जाए। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तू आया ही क्यों, ऐसे तम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ रुस्तम। हाय राघव, कैसा है? बड़े दिनों बाद? बड़े दिनों बाद नहीं, पूरे एक साल बाद। हाँ यार, और बता कैसी चल रही है लाइफ? बस भाई बढ़िया है, अच्छा काम, अच्छा टाइम, अच्छी गर्लफ्रेंड, एवरीथिंग इज गुड। सही है यार, संभाल के रखी हो सबको और अपनी गर्लफ्रेंड को भी। बिल्कुल यार, मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड हमने सब कुछ संभाल रखा है। अब मुझे छोड़ यार, उसने मुझे और बाकी सब कुछ को संभाल रखा है, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। नया नया प्यार होगा ना इसलिए। नया नया ही लगता है यार रोज, पिछले 1.5 साल से। तुम दोनों 1.5 साल से एक साथ हो? हाँ यार,
और हम तो कुछ महीनों बाद शादी भी करने वाले हैं। सही है यार, तेरी अच्छी किस्मत, तुझे अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? सैड यार, बट इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है तो सिर्फ टाइम और सिचुएशन की, और थोड़ी तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी भी। देख, मैं तुझे समझाता हूँ। क्या हुआ? अभी तो ठीक से 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, तुम्हें याद आ गई? फर्शा प्लीज, ऐसी बात मत करो। मजाक बना के रख दिया है रुस्तम तुमने हमारे रिलेशनशिप का। तुम्हें पता है 2 महीने से ना मैं ठीक से सोई हूँ ना ठीक से जागी हूँ, पागल हो गई हूँ मैं तुम्हारे लिए। सॉरी वर्षा, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। हम दोनों के दूर होने का कसूर हम दोनों में से किसी का नहीं था, हमारे अंदर की ओवर थिंकिंग और बेवजह के प्रेशर का था। मैं सोचता था कि तुमसे ज़्यादा बात करूँगा तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, मैं तुमसे ज़्यादा मिलूँगा तो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी रुस्तम, कि कहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तो तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारे दूर जाने के डर ने मुझे कब तुमसे दूर कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी रुस्तम। मुझे भी ये लगता था तुमसे ज़्यादा बात करूँगा तो तुमसे मिलने का मन करेगा, और तुम्हारे मिलने और तुम्हारे करीब आने से मैं खुद को रोकता था, और ये करते करते मैं तुमसे कब दूर हो गया पता ही नहीं चला। मुझे माफ़ कर दो वर्षा। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि बेवजह मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ तुमसे दूर जाने की वजह तुम्हारे करीब आके अपना सुख दुख बताऊंगा। तुम मुझसे हफ्तों हफ्तों बात मत करना और मुझे भूलना मत। और मैं भी तुमसे डेली अपनी बातें शेयर करूं तो प्लीज बोर मत होना। मैं अगर तुम्हें इरिटेट करूं तो प्लीज संभाल लेना। मैं अगर तुम पे ज्यादा गुस्सा करूं तो प्लीज दिल पे मत लगाना। हम वादा करते हैं जिंदगी के हर मोड़ पे एक दूसरे का साथ देंगे। हम वादा करते हैं कि हम एक दूसरे की खुशी में साथ देना दे, दुख में हमेशा देंगे। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जामेगा तू मेरे बाजों, कित होर न लामेगा। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबकी लाइफ में यार ऐसी सिचुएशन तो आती होगी जो स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चलता है रिलेशनशिप में, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि लोग अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी वक्त देना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए और अच्छे से एक साथ लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। तो वीडियो को कमेंट जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल।